बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज हम बना रहे हैं मीठी सेवइयाँ। हमने कुछ ये ड्राई फ्रूट्स ले लिए, हमने एक छोटा पैन ले लिया है और जो ड्राई फ्रूट है इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बस ज़्यादा नहीं करना हमें, बस थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे इसको ड्राई। हमारे ड्राई फ्रूट बिल्कुल अभी रोस्ट हो चुका है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हमें ज़्यादा नहीं करना है, इसको उतार लेते हैं। यहाँ हमने दूसरा पैन ले लिया, इसमें 2 टेबलस्पून हमें इसमें देसी घी शामिल करें। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 5 इलायची वो मैं डाल रही हूँ। इसमें मोटी मोटी हमदर्दी से पीस ली हैं। पीसने से इलायची की बहुत प्यारी खुशबू आती है। इलायची को थोड़े 2 मिनट के लिए हम इस भून लेंगे। अभी हमने ये ब्रिक सेवइयाँ ले लिए, मैंने इनको थोड़े मोटी मोटी इस तरह तोड़ लिए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किया हमने। ये तकरीबन 350 ग्राम है, तो ये रोस्ट कर लेते हैं। पहले हल्की ब्राउन हमें कलर देना है और इसे वक्फे वक्फे से टर्न करते जाएंगे। ये हमारी माशाल्लाह बहुत प्यारी रोस्ट हो गई हैं और ये कलर भी देखिए कितना अच्छा ब्राउन आ गया, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है, आधी टेबल स्पून में इसमें और घी शामिल करी हूँ। इसे थोड़ा थोड़ा हम करके डालेंगे और साथ साथ हलाते रहेंगे। फिर इसी तरह और दूध शामिल करेंगे। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो पानी भी डाल सकते हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा हमने डालना, साथ साथ हलाते जाना, ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल खड़ी खड़ी हमने बनानी है। इसी में हम चीनी भी शामिल कर लेंगे। 5 टेबलस्पून में इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। ब्राउन शुगर हमने यूज़ की है, आप चाहे तो वाइट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हल्का हल्का मिक्स करते रहेंगे और दूध थोड़ा सा और इस तरह हम डालते रहेंगे। साथ ही हम ड्राई फ्रूट्स वो भी शामिल कर लेंगे। मुझे चीनी थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने 2 टेबलस्पून और इसमें चीनी शामिल की है। अगर आप ज़्यादा या कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। 5 मिनट के लिए मैं दम दे दूँगी, साथ फिर 5 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे और आँच बिल्कुल मध्यम आँच पर रखनी है हमने। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। इस तरह हम हल्का हल्का जो मूव करते रहेंगे, मज़ीद 5 मिनट के लिए और कवर कर दूंगी मैं। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं। सेवइयाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, थोड़ा और इनको ड्राई कर लेंगे फिर उतार लेंगे। अब उतार लेंगे हम, डिश आउट करेंगे। इस तरह खड़ी खड़ी हमने बनानी है। मीठी सेवइयाँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है और बहुत जल्दी बन जाती हैं, बहुत आसान है बनाना। इस तरह खड़ी खड़ी हमने बनानी है और कोई भी अगर मेहमान आ जाए, को ईद क्या त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो, तो आप जल्दी इसको बना सकते हैं। बच्चे भी बहुत मीठे पसंद करते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।